हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले चार मॉड्यूल 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, जिनमें विलयन क्या होते हैं, विलयन का वर्गीकरण कैसे किया गया है, साथ ही विलयन की सांद्रता को अभिव्यक्त करने की जो बहुत अधिक इकाइयां होती है, यूनिट होते हैं, मात्रक होते हैं, आप देख रहे होंगे पिछले मॉड्यूल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके वो मैं आपको अगर ओरली मुंह जबानी अगर बात करूं तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं उनमें परसेंटेज है बेटा, ठीक है, कौन कौन सी परसेंटेज, डब्ल्यू बटे वी परसेंटेज पढ़ चुके, जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, डब्ल्यू बी बटे वी एस, अगर ml में लिखा गया है ये इंटू 100, ओके, विलयन के 100 ml आयतन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा को, 100 ml में घुली हुई ग्रामों में मात्रा को विलय की, ठीक है ना, w बटे v परसेंटेज कहेंगे। इसी तरह से w बटे w परसेंटेज, जिसको भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं, ये हो गई हमारा डब्ल्यू बी बटे डब्ल्यू एस, विलयन का भार बेटा, ठीक है ना, इंटू 100, ओके, विलयन के 100 ग्राम में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा को। अंतर क्या है दोनों में बेटा, अंतर ये है, बताइए, अंतर ये है कि उसमें विलयन के 100 ml आयतन में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा होती है, इसमें विलयन के 100 ग्राम में घुली हुई विलय की ग्रामों में मात्रा होती है, ठीक है। अब बात आती है कि इनको एक दूसरे से कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, तो कन्वर्ट करना यह है कि जैसे यहां पर विलयन का भार दिया गया है, ठीक है ना, अगर मुझे विलयन का घनत्व मालूम हो, क्या मालूम हो बेटा, घनत्व, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी जिसका द्रव्यमान उसी का आयतन। अगर मैं डब्ल्यू एस लिखना चाह रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी एस इंटू वी एस, समझ रहे हैं आप, देखो जरा, तो अगर मैं विलयन का भार यहां से हटा देता हूं, समझना ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा, विलयन का घनत्व इंटू विलयन का आयतन, जैसे ही मैं इतना लिखूंगा तो आप इतना हिस्सा आपके सामने ये आ जाएगा, मतलब W बटे V परसेंटेज बराबर, या W अपॉन W परसेंटेज को अगर ले लूं मैं बराबर, तो ये हो जाएगा बेटा WB गुणा 1000, तो ये था ही, सॉरी 1000 नहीं, 100 परसेंटेज है, 100 विलयन का भार बेटा, विलयन का भार क्या हो गया हमारा, डीएस इंटू वी एस, डीएस इंटू वी एस। अब आप देखिएगा इस पार्ट को अगर मैं सर्कल लगा लूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, W अपॉन V परसेंटेज के बराबर हो गया, इसका मतलब W अपॉन V परसेंटेज की वैल्यू में, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनिएगा समझिएगा बेटा, W अपॉन V परसेंटेज, यानी मैं इसी को आगे बढ़ाऊं, आप समझो जरा, W अपॉन W परसेंटेज बराबर हो जाएगा W बटे V परसेंटेज, ये हिस्सा हो गया बेटा, देखो ये जो सर्कल लगा है, बटे डी एस, ठीक है ना, यानी इसका मतलब बटे डी एस लिख दिया जाएगा, W बटे V परसेंटेज ये हो गया, ये लगा लिख दिया मैंने परसेंटेज, ठीक है ना, और डीएस का उसमें क्या कर दें अपन, भाग दे दें, तो ये इन दोनों का रिलेशन होगा बेटा, समझ में आ रही बात, आगे चले, चलिए, तो तीसरा हमारा था बेटा वी अपॉन वी परसेंटेज वाला, आयतन प्रतिशतता जिसको अपन कहते थे, जिसमें विलय का आयतन बेटा बटे विलयन का आयतन, ठीक है ना, मिलीलीटर में, सीजीएस पद्धति हम उपयोग लाते हैं, एक बात याद रखिए केमिस्ट्री में ज्यादातर हम लोग सीजीएस पद्धति का उपयोग करते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, पर ज्यादातर हम लोग सीजीएस पद्धति का उपयोग करते हैं, सीजीएस पद्धति में आयतन का मात्रक घन सेंटीमीटर होता है, घन सेंटीमीटर कहना या मिलीलीटर कहना एक ही बात है, इज दैट क्लियर। इसी तरह से भार का मात्रक क्या होगा बेटा, ग्राम, ठीक है, ओके, तो ये तीनों प्रकार की परसेंटेज हो गई। अब मैं आपको यहां से जिस बात को इंट्रोड्यूस कराने का प्रयास कर रहा हूं वो ध्यान से सुनिए और समझिएगा, और वो क्या है बेटा, सांद्रता की इकाई जो आपको नोट्स में, ध्यान से सुनिएगा, आपके नोट्स में लास्ट में लिखी होगी, और वो क्या है, पीपीएम और पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन कहते हैं बेटा 10 लाख को, मिलियन कितने को कहते हैं, 10 लाख को, 10 लाख में जीरो कितनी होती है, 6, ओके, और बिलियन कहते हैं बेटा 1 अरब को, 1 अरब कितना, 1 अरब, और 1 अरब में जीरो कितनी होती है बेटा, 9,
दस लाख में अगर छह है तो एक करोड़ में कितनी हो गई सात, दस करोड़ में कितनी होगी बेटा दस लाख, छह कहते ही कितना हो जाएगा बेटा एक करोड़, सात कहते ही, सात कहते ही छह दस लाख, सात कहते ही एक करोड़, आठ कहते ही दस करोड़ राइट, और नौ कहते ही एक अरब के रूप में पहुंच जाएगा ठीक है ना। चलिए तो ये दस की घात नौ मिलियन के लिए, मिलियन के लिए ये। अब देखिए पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन उपयोग कब लाई जाती है, इसको थोड़ा गौर से सुनिए और समझिएगा। दरअसल ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा, समझने का प्रयास करो, बहुत बड़े पात्र में जिसमें पानी भरा है यानी कोई विलायक भरा है उसमें मैं थोड़ा सा अगर थोड़ी सी मात्रा अगर नमक की चीनी की इतनी मात्रा कि जैसे 10-20 दाने शक्कर के ठीक है, एक दो मिलीग्राम बस, पानी बहुत बेसुमार और एक दो मिलीग्राम, तो आप पाएंगे कि सर ये तो बहुत ही कम है, आप इसको नगद मानने की स्थिति में रहेंगे, पर है तो सही उसमें। समझ में आ रही बात, जैसे कि अगर हमारे घरों में पानी जो आ रहा है उसका मुझे अगर टीडीएस मापना है, टीडीएस समझते हैं आप, टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टोटल डिजॉल्व सॉलिड उसके अंदर कुल जो मटेरियल डिजॉल्व है घुला हुआ है वो कितना है, टोटल कितना है उसका टोटल डिजॉल्व, तो हम लोग पानी के लिए रखते हैं ना टीडीएस घरों के अंदर, आरओ का पानी जब पीते हैं कि भाई 100 कर दो, 150 कर दो, 80 कर दो ठीक है ना, बहुत कम टीडीएस का पानी भी नहीं पीना चाहिए बेटा, तो उसके अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो लवण है वो घुले हुए हैं जिसके कारण पानी में कठोरता या हार्डनेस होती है, तो वो टीडीएस जैसे किसी के पानी का टीडीएस बेटा 150 है या 200 है, वो कोई भी कुछ भी कह सकता हूं मैं आपको, कहते ना 150, अब इसका समझते मतलब किसी कठोर जल का टीडीएस बेटा, समझना ध्यान से, कठोर जल का टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड, सॉलिड कह देते हैं, सॉलिड कह देते हैं, अगर 150 है किसी का टीडीएस तो मालूम है इसका क्या अर्थ निकलेगा, इसका मतलब ये निकलेगा 150 ppm है वो, 150 ppm है। अब देखिए 150 ppm को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिखता हूं ये देखिएगा, इसको या लगाकर लिख सकता हूं 150 ppm को, अब देखो पार्ट्स पर मिलियन है बेटा, ये क्या है बेटा पार्ट्स पर मिलियन, तो ये दरअसल 150 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है, यानी एक लीटर के अंदर 150 मिलीग्राम, लिसन केयरफुली मैं आपको इसे प्रूफ भी कर दूंगा इन दोनों को मिलाकर जो अभी थोड़ी देर में अपन देख रहे हैं, एक लीटर के अंदर घुला हुआ जो ठोस कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो लवण है ना बेटा वो एक लीटर के अंदर 150 मिलीग्राम घुले हुए हैं, इज दैट क्लियर, मैं अभी थोड़ी देर में इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। इसी तरह से हमारे पानी में जो क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं जो एक प्रकार से रोगाणु नाशी का काम करती हैं ठीक है, क्लोरीन की गोलियां कभी कभी पीने के पानी में स्मेल सी आने लगती है, कभी कभी बारिश के दिनों में अक्सर ऐसा होता है, तो क्लोरीन की गोलियां उनमें वो जो पानी का बड़ा संयंत्र जहां लगा रखा है वहां वो मिलाई जाती हैं, तो उनकी सांद्रता को भी ppm में मापा जाता है। इसी तरह से हम लोग अगर पेस्ट कर रहे हैं पेस्ट, तो उसके अंदर जो फ्लोराइड है या पानी के अंदर फ्लोराइड है या पेस्ट में फ्लोराइड है वो सारी ppm या ppb में मापी जाती है। मोटे मोटे तौर पर आप क्या समझ लो, इसे इस तरह से समझ लिया जाए कि बहुत अधिक पानी में बहुत सूक्ष्म मात्रा में, कहने के लिए वो सूक्ष्म मात्रा इतनी होती है कि उसे हम लोग नगण्य के तरीके से कह सकते हैं, पर है तो सही उसके अंदर राइट, तब सांद्रता की इकाई ppm या ppb उपयोग में लाई जाती है। ppm या ppb भी तीनों कैटेगरियों में आती है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान हो गया। देखिए अब मैं आपको इन्हीं को ppm या ppb बोल रहे जा रहा हूं ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ppm या ppb इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इन तीनों के लिए। अगर ppm बिल्कुल वही, वहां क्या था 100 ग्राम है, ऊपर वाली स्थिति देखो, जब परसेंटेज मैंने कहा था तब क्या बोला था मैंने 100 ml आयतन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा ठीक है,
इसमें क्या बोला था मैंने, परसेंटेज जब लगी थी कि 100 ग्राम बिलियन में घुली हुई विलेय की ग्राम मात्रा, इसमें मैंने क्या बोली विलयन के 100 ml आयतन में घुले हुए विलेय के ml में आयतन को, राइट। ये तो होगी परसेंटेज क्योंकि 100 में देखना है, लेकिन उसी चीज को अगर आप 10 की घात 6 मतलब 10 लाख मतलब 1 मिलियन, यानी अगर मैं ये परिभाषा बनाऊं तो मैं क्या बनाऊंगा ऊपर वाली स्थिति के लिए W upon V वाली ppm, अगर मैं बता रहा हूं तो विलियन के सॉल्यूशन के, ठीक है ना, ये बिलियन है, बिलियन हम पढ़ रहे हैं विलियन, ठीक है, बिलियन वो विलियन अंतर है, ठीक है ना, बिलियन अलग चीज है बिलियन। तो मैं ये कहने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि 1 मिलियन आयतन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा, घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को ppm कहते हैं, कौन सी वाली, W upon V। इसका मतलब जब 100 ml में था तो परसेंटेज कह रहा है, तो मैं क्या कर दूं बेटा इसमें, इसी में मैं 10 की घात 6 लगा दूं, इसी में मैं 10 की घात 6 लगा दूं, इसी में 10 की घात 6 लगा दूं, और 10 की घात 6 के बजाय अगर मैंने 10 की घात 9 लगा दिया गया तो ये बन जाएगी पार्ट्स पर बिलियन। इज दैट क्लियर, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर मिलियन 10 लाख यानी 1 मिलियन को कहते हैं हम लोग, ओके। अब देखिए व्यावहारिक तौर पर अपन इसकी परिभाषा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ppm और ppb दोनों ही तीनों प्रकार के मात्रकों में आती हैं, W upon V मात्रक में भी आ रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है, W upon W मात्रक में भी आ रही है बेटा, और V upon V मात्रक में आ रही है, इज दैट क्लियर। तीनों में जब आ रही है तो परिभाषा को अगर मैं सामूहिक रूप से आपको बताऊं तो मैं कैसे बताऊंगा ये सुनिएगा। ppm को परिभाषित अगर मैं करूं तो आपका अर्थ होगा विलियन के 1 मिलियनवे भाग में, 1 मिलियनवे, 1 मिलियन कहते हैं 10 की घात 6 को, 10 लाख को, 1 मिलियनवे भाग। अब देखिए यहां भाग का अर्थ क्या है, भाग से दरअसल मात्रा से है, मात्रा से मतलब भार के मात्रकों में भी हो सकता है या वो आयतन के मात्रकों में भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो विलयन के अगर मैं भार के मात्रकों में कर रहा हूं तो मैं एक परिभाषा बनाऊं, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, 1 मिलियन ग्राम में, या मैं इसके बारे में कह रहा हूं तो मैं कहूंगा विलयन के एक मिलियन आयतन में, मतलब ml में आयतन में, ठीक है ना, ओके। तो विलयन के 1 मिलियनवे भाग में, ध्यान से सुनना, भाग में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को, विलेय के भागों की संख्या को या विलेय के भागों को ही ppm कहते हैं, बात बैठी दिमाग में। अब देखिए यहां भी भाग और भाग का मतलब मैं क्या बता रहा हूं आपको, वो भार के मात्रक हो सकते हैं बेटा या आयतन के मात्रक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं इस क्लियरली उस भाग शब्द के बजाय सांद्रता की इस इकाई को ppm में बता रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, विलयन के 1 मिलियन आयतन में, ml में आयतन में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को, समझ में आ रहा है बात। W upon W वाली ppm अगर मैं बताता हूं मैं क्या बोलूंगा, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में, विलयन के 1 मिलियन ग्राम में घुली हुई विलेय की ग्रामों में मात्रा को ppm कहते हैं, ओके। इसी तरह से यहां क्या मैं बोलूंगा, विलयन के 1 मिलियन ml आयतन में घुले हुए विलेय के ml आयतन को हम V upon V वाली ppm कहते हैं। तो परसेंटेज के समान ppm और ppb भी तीनों मात्रकों में आती है, तीनों मात्रक का मतलब समझ में आ गया। अब ये ppm बन गया, अब इसको ppm बोलोगे बेटा, ये ppm, ठीक है। तो परसेंटेज में, या 100 था परसेंटेज में, मैंने कितना कर दिया 10 की घात 6, तो उसी परसेंटेज में अगर 10 की घात 4 का गुणा कर दिया जाए, 10 की घात 2 तो ऑलरेडी है ही परसेंटेज में, 10 की घात 4 का गुणा कर दिया जाए उसी परसेंटेज में, तो वो क्या बन जाती है, जैसे 2% को अगर मैं ppm में कहूंगा तो आप क्या कहोगे, 2 × 10 की घात 4, परसेंटेज तो 100 में होती है, हम निकाल रहे हैं 10 लाख में, 1 मिलियन में, तो 10 की घात 4 का हम गुणा कर देंगे उसमें, क्योंकि 100 में तो ऑलरेडी थी 2%, 100 में, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अपन सांद्रता की ppm और ppb, अच्छा
दस की घात छह के स्थान पर जैसे ही आप दस की घात नौ लगाओगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, पीपीबी बन जाएगा। अब मैंने आपको एक बात यहां प्रूव करने के लिए आप लोगों से कहा था 150 ppm है तो उसको मैं क्या कह सकता हूं, 150 मिलीग्राम प्रति लीटर कह सकता हूं। इज दैट क्लियर? अब देखिए मैं आपको इसको प्रूव करने जा रहा हूं, यानी एक लीटर में 150 मिलीग्राम कोई पदार्थ उसके अंदर घुला हुआ है, केवल 150 मिलीग्राम एक लीटर में। तो अगर 150 ppm लिखा गया है तो उसका क्या अर्थ है देखिएगा, तो इस जगह का अर्थ में किसी भी मात्रक में अगर जो दी गई है उसमें मैं अगर मैं कहता हूं तो मैं क्या कहूंगा, चूंकि 10 की घात 6 अगर मैं भार के मात्रक में कहूं या ऊपर वाली सिचुएशन में अगर मैं कह रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा, 10 की घात 6 ml आयतन में कितना घुला हुआ है बेटा, 150 ग्राम। किसकी बात कर रहा हूं, जब ppm 150 लिखा जाए तो ठीक है, तो 10 की घात 6 ml में 150 ग्राम कोई विलेय पदार्थ घुला हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कठोर जल कह रहा हूं तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए इसीलिए इसीलिए 1 ml में, इसलिए 1000 ml में, तो मैं 1000 ml का मतलब हो गया बेटा 10 की घात 3 ml में घुला हुआ होगा 150। ध्यान से समझना बेटा, 150 बटे 10 की घात 6 ऊपर गुणा 10 की घात 3 ग्राम इतना आएगा कि नहीं। 1 ml में कितना होगा, 150 बटे 10 की घात 6, 10 की घात 3 ml का मतलब हो गया बेटा यानी या 1 लीटर। इज दैट क्लियर? 1 लीटर। तो इसमें कितने ग्राम घुला हुआ है देखिएगा बेटा, जरा सॉल्व कर लो, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 3 नीचे बचेगा, 10 की घात 3 नीचे बचेगा तो ये बचा 150 बटे 10 की घात 3 ग्राम। क्लियरली है बेटा, 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 3 बचेगा। अब ग्राम को मैं कह रहा हूं मिलीग्राम में बदलाओ, ग्राम को मिलीग्राम में बदलिए, तो 1 ग्राम में 10 की घात 3 मिलीग्राम होते बेटा, कितनी, 1000 मिलीग्राम। तो ग्राम की जगह अगर मैं मिलीग्राम रखता हूं तो 150 बटे 10 की घात 3 तो ये था, और 1 ग्राम को अगर मैं मिलीग्राम की बात कर रहा हूं तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 यानी 10 की घात 3। सुनना ध्यान से, अब ये मिलीग्राम में बदल गया तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कटने पर क्या बचेगा, 150 मिलीग्राम होगा कि नहीं। तो 150 ppm कहने का दूसरा अर्थ क्या निकलेगा कि 1 लीटर में यानी 10 की घात 3 ml में 1 लीटर में 150 मिलीग्राम घुला हुआ है, यानी 150 मिलीग्राम प्रति लीटर उसके अंदर सॉल्यूट घुला हुआ है, विलेय घुला हुआ है। ठीक है, इसका मतलब किसी की ppm अगर 5 है तो क्या अभिप्राय है, 5 ppm का इस W/V में मतलब निकाला जाए तो आप क्या कहोगे, 10 लाख ml आयतन में 5 ग्राम वो विलेय पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है, उसी 5 ppm को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। ठीक है ना, एक्चुअल में है क्या, जैसे रक्त में आरबीसी की मात्रा पता करनी है, मूत्र में यूरिया की मात्रा पता करनी है, तो बेटा ये इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है, होती तो है, इतनी स्मॉल अमाउंट में होती है, तो सांद्रता के लिए तब हम कौन सी इकाई उपयोग में लाई जाती है बेटा, तब हम उपयोग में लाते हैं ppm या ppb। ठीक है, चलिए तो ये रही बात ppm और ppb का रिलेशन, भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया है। तो ppm या ppb के सूत्र ये तैयार हो गए, W/V वाला ppm हो गया, बस कुछ क्या करना है, 10 की घात 2 की जगह आपको 10 की घात 6 लगाना है, और ppb का जहां तक मतलब है तो आपको 10 की घात 9 लगा देना। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ू बेटा मैं, चलिए तो ये तो मैंने यहां से ये रिमूव किया बेटा। अब मैं आपको सांद्रता की अगली इकाई जिसका नाम है मोललता, क्या है बेटा, मोललता को पढ़ाने जा रहा हूं। पिछले टर्म पर, पिछले मॉड्यूल में मैंने आपको मोललता नहीं मोलरता को पढ़ाया था, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मोलरता। लिसन केयरफुली, समझने की कोशिश करिए बेटा, मोललता जहां मैंने आपको मोलरता के लिए बेटा कैपिटल एम संकेत का इस्तेमाल कराया था, और वो क्या थी, विलेय के मोलों की संख्या जो घुले हुए हो विलयन के लीटर में आयतन में, इसको और आगे मैंने बढ़ाया, यहां फिर लिख देता हूं मैं, तो वो फॉर्मूला बनाता WB बटे MB
अगर आयतन ml में दिया गया हो तो हम कितना ऊपर लिखते हैं बेटा, 1000 को ऊपर पहुंचा देते हैं। तो ये तो बन गई क्या, मोलरता कहेंगे अपन, ठीक है। अच्छा देखिए, मोलरता में बेटा आयतन प्रयुक्त किया जाता है, मोलरता में क्या प्रयुक्त किया जाता है, बिलियन का आयतन। यहां क्या होगा इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहली बात तो मोलरता को बेटा हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, मोलरता को कैपिटल m से प्रदर्शित करेंगे, इज दैट क्लियर। और मोलरता w बटे v वाले मात्रकों में आती है, देखो w विलय का भार, विलयन का आयतन, w बटे v वाले मात्रकों में आती है, ठीक है ना। ये भी आप देखिएगा, मोलरता की परिभाषा अगर मैं यहां लिखूं, आप देखिए यहां पर, यहां है क्या, इसे समझने के लिए एक चित्र मैंने बनाया, ये ठीक है ना, एक पात्र है बेटा ये, इस पात्र में मैंने क्या किया, कोई विलायक लिया, ठीक है ना, जल ले लिया या कोई और विलायक जिसमें आप उस विलय को घोलना चाहते हैं, ये विलायक ले लिया, ए विलायक, ओके। अब मैंने इसमें क्या किया, कोई विलय घोला, विलय, विलय जिसको बी कह रहा हूं, ठीक है, मैंने घोला है, मतलब मुझे विलय की मात्रा मालूम है, मतलब मुझे विलय के मात्रा से मतलब विलय का भार मालूम है बेटा मुझे, और विलय के भार और विलय के सूत्र से हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, जानते हैं ना अपन लोग। विलय का भार अगर मैंने कहा 12 ग्राम यूरिया, या मैंने कहा 15 ग्राम यूरिया, तो ये 15 ग्राम हो गया बेटा, 15 ग्राम यूरिया, इज दैट क्लियर। यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2, तो जिसे मैंने 15 ग्राम यूरिया कहा है, तो 15 ग्राम यूरिया के मैं मोलों की संख्या निकालता हूं, तो मोलों की संख्या निकालने का मतलब हो गया यूरिया का भार बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान, इज दैट क्लियर। मोल निकाल रहे हैं इसलिए मोलर द्रव्यमान शब्द इस्तेमाल किया करेंगे आप लोग। तो यूरिया मतलब बी का है हमने, यूरिया को विलय का भार बटे विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर, तो ये कितना हो गया बेटा 15 ग्राम बटे यूरिया के सूत्र से हम इसका मोलर द्रव्यमान निकाला जाए, तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकलेगा बेटा, जोड़ो बेटा, तो ये आएगा 60, कितना 60, ठीक है ना, जोड़ लो बेटा। मैं रोजाना आपको जुड़वाने का प्रयास कर रहा हूं, मात्रक लगाएं ग्राम प्रति मोल, यानी एक मोल अगर 60 ग्राम होता, ये तो 15 ग्राम है, अगर 60 ग्राम होता तो मैं एक मोल कहता, तो 15 ग्राम को कितना मोल कहेंगे, 15 चौक 60 के सर 1/4, 30 ग्राम यूरिया को कितना बोलेंगे, 1/2 बोलेंगे कि नहीं, ठीक, 10 ग्राम को कितना बोलोगे, 1/6 बोलोगे कि नहीं, 120 ग्राम को कितना बोलोगे, 2 मोल, सिंपल सी बात। तो मैंने यहां पर 60 ग्राम प्रति मोल पूरा मात्रक अगर मैं सेट करता हूं, तो आपके दिमाग ग्राम से ग्राम, 15 चौक 60, 1/4, 1/4 मोल, तो मोलों की संख्या जिसको हम 15 ग्राम कह रहे हैं उसके मोल कितने बन गए बेटा, 1/4 मोल बन गए, इज दैट क्लियर। तो मात्रा अगर भारों में ग्रामों में दी जा रही है तो हम उसके मोल कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, ओके। अब आपको यहां से समझिएगा, ये तो बन गया पूरा बिलियन, ठीक है, अगर मैं पूरे को तराजू पर रखूंगा तो विलयन का भार मिलेगा मुझे, क्या विलयन का भार, और विलयन का भार क्या होता है, विलायक का भार प्लस विलय का भार, इज दैट क्लियर। और विलायक का भार अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, डब्ल्यू एस माइनस डब्ल्यू बी, ऐसे ही तो निकलेगा बेटा विलायक का भार, विलयन का कुल भार उसके दोनों घटकों के भार के बराबर हुआ, तो एक घटक का भार निकालेंगे तो विलयन के भार में से दूसरे घटक का भार घटा दो, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, यहां इसकी क्या जरूरत पड़ रही है, दरअसल है क्या, मोललता को बताने में बताने वाले वैज्ञानिकों ने किस तरह से उसकी परिभाषा को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने कहा विलायक के 1 किलोग्राम में, अब ध्यान से, विलयन नहीं, विलायक के 1 किलोग्राम में, ये तो पूरा विलयन बन गया, ठीक है। तो अगर जब मैंने विलायक लिया था तो विलायक के 1 किलोग्राम में आपने विलय के कितने मोल घोले हैं वो सांद्रता कहलाएगी, मोलरता वाली परिभाषा क्या है, विलायक के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम में घुले हुए या विलय हुई, एक ही बात है, घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को, विलय के मूलों की संख्या, मूलों की संख्या को, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, number of moles of solute which are present in 1 kilogram of solvent
दैट इज कॉल्ड मोललिटी, मोललिटी विच इंडिकेट स्मॉल एम। तो मोलरता का जो मात्रक था बेटा, मात्रक था वो था मोल प्रति लीटर, एक लीटर में कितने घूम घुले हुए हैं। यहां का मात्रक क्या बनेगा देखिए, मोल प्रति किलोग्राम, मतलब मोललता का मात्रक हुआ बताइए मोल प्रति किलोग्राम। एक किलोग्राम में कितने मोल घुले हुए हैं, विलायक के एक किलोग्राम में कितने मोल घुले हुए हैं, ये मोललता का मात्रक होगा और ये मोललता की परिभाषा। तो इस पूरे बने हुए विलयन में जो विलायक है, विलायक की मात्रा चाहे आपने 500 ग्राम लिया, 200 ग्राम लिया, 10 किलोग्राम लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे यह बताना है कि एक किलोग्राम विलायक में विलेय कितना घुला हुआ है, विलेय के कितने मोल घुले हुए। ठीक है, अब जहां तक इसके सूत्र का प्रश्न बनाए तो मोललता बराबर मोलों की संख्या। अब देखिए मैं बार बार यहां पर हिंदी में नहीं लिख रहा, मैं आपको बता चुका हूं, आप संकेतों का इस्तेमाल करिए। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का, लेसन विलायक को कहते हैं ए, विलायक का भार यानी डब्ल्यू ए किसमें, किलोग्राम में। लीजिए ये सूत्र बन गया। इस सूत्र को और थोड़ा सा आगे अपन प्रूव करें तो हम मोलों की संख्या की जगह क्या लिखते चले आ रहे हैं बेटा, डब्ल्यू बी बटे एन बी। एनी प्रॉब्लम, ये किसकी जगह लिख दिया मैंने, एन बी की जगह लिख दिया, डब्ल्यू बी बटे एन बी गुणा विलायक का किलोग्राम में भार डब्ल्यू ए के जी। अच्छा अगर मुझे ग्रामों में अगर भार देता है, मुझे तो लिखना किलोग्राम में, तो ग्राम में क्या करूंगा, उस मात्रा को किलोग्राम में बदलने के लिए मैं 1000 का भाग दे दूंगा। जब 1000 का भाग दूंगा तो वो 1000 चला जाता है बेटा कहां पर, ऊपर। तो सूत्र क्या तैयार हो गया, डब्ल्यू बी बटे एम बी गुणा 1000। 1000 ऊपर क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम विलायक का भार ग्रामों में लिखते हैं, ग्रामों में, तो ये मोललता का सूत्र बन गया। मोललता किसमें आती है, देखो डब्ल्यू बटे डब्ल्यू वाली मात्रक, मोलरता किसमें आती है, डब्ल्यू बटे वी वाली मात्रक में, ये आती है डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू मात्रक में, यानी इसमें विलयन का आयतन प्रयुक्त नहीं किया जाता। यहां से कौन सी नई बात जनरेट होती है वो सुनने का प्रयास कीजिए। चूंकि मोलरता में आयतन प्रयुक्त होता है और आयतन ताप से प्रभावित होता है, ध्यान रखना। बाजार से हम जो भी लिक्विड मटेरियल खरीद कर लाते हैं ना बेटा, लिक्विड मटेरियल बाजार से, तो उस लिक्विड मटेरियल में अगर वो मटेरियल हमको आयतन के मात्रक में लीटर मिलीलीटर इनमें मिलता है, तो आप एक बात को गौर से सुनिए, जहां ये लिखा होगा वहां एक चीज और लिखी होगी, वो क्या है, ताप। क्यों लिखा होगा, वो कंपनी वाले ये कहते हैं कि हमारे यहां जब ये पैकिंग हुई थी उस वक्त का तापक्रम इतना था, तब आयतन इतना है। आप इस पैकेट को अपने घर ले जा रहे हो, आपके घर का तापक्रम अगर ज्यादा होगा या कम होगा तो आयतन भी, ये जो मैंने हमने लिखा है, ये प्रभावित हो जाएगा, कम या ज्यादा होगा। कम या ज्यादा कैसे होगा, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है बेटा, ताप बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है, क्योंकि पदार्थ में प्रसार होता है, और आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता में कमी आएगी। ये बात मैं आपको कल भी समझा चुका था, ठीक है। इसका मतलब मोलरता में आयतन प्रयुक्त किया जाता है तो मोलरता ताप से प्रभावित होगी, मोलरता ताप से प्रभावित होगी, ताप बढ़ाने पर मोलरता में कमी आएगी। कल समझा था कि नहीं हम लोगों ने, लेकिन मोललता में आयतन प्रयुक्त नहीं होता, भार प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर ताप बढ़ा रहे हैं तो पदार्थ में प्रसार कण दूर दूर हो रहे, तो दूर दूर होने से आयतन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि फैलाव प्रसार बढ़ेगा, लेकिन मात्रा भार तो उसकी उतना ही रहेगा ना, इसलिए मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। तो मोलरता और मोललता में अंतर कर सकते हैं अपन, किस बेस 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 पर, आप लोग अपनी रफ कॉपी पर नोट करोगे, एक तरफ मोलरता एक तरफ मोललता। मोलरता की परिभाषा बनाइए, विलयन के एक लीटर में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर है। मोललता की परिभाषा क्या बनाएंगे बेटा, विलायक के एक किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं, विलायक के एक किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं, उसका मात्रक हो गया मोल प्रति किलोग्राम। मोलरता में आयतन प्रयुक्त होता है इसलिए यह ताप से प्रभावित होती है, मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती। अब बताइए जो रसायनज्ञ होते हैं ना, केमिस्ट, केमिस्टों के लिए मोलरता बढ़िया रहेगी कि मोललता बढ़िया रहेगी, तो आपका जवाब आएगा मोललता मोलरता से अधिक उपयुक्त इकाई इसलिए होगी क्योंकि उसमें ताप का कोई रोल प्ले नहीं होगा। समझ में आ गई बात, उसमें आयतन प्रयुक्त नहीं होता इसलिए ताप कम या ज्यादा करने से उसकी सांद्रता में परिवर्तन, उस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन मोलरता में परिवर्तन आ जाता है ताप के बढ़ाने से, ताप के बढ़ाने से आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो मोलरता में
कमी आएगी, मोललता ताप से अप्रभावित रहती है। तो इस तरह से हम दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, ये अपनी कॉपी में परिभाषा मात्रा को ताप का प्रभाव, ठीक है। मोलरता रसायनों के लिए, केमिस्ट के लिए उपयुक्त सांद्रता की इकाई नहीं मानी जा सकती। मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती, ताप कम या ज्यादा करने से मान में फर्क नहीं आएगा बेटा, इसलिए मोललता रसायनज्ञों के लिए अधिक उपयुक्त इकाई मानी जा सकती है। मैं समझ पा रहा हूं आपको, समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये समझ लू आप लोगों को कि कुछ बातें मोललता के संदर्भ में आपको समझ में आई। अब एक सवाल अगर मैं यहां कर आऊं, जो आपकी कॉपी में लिखा है 10% बेटा, 10% डब्ल्यू अपॉन वी, ये क्यों लिखना जरूरी हो गया बेटा, क्योंकि परसेंटेज तीनों प्रकार की हैं, इसलिए लिखना जरूरी हो गया। तो 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, H2SO4 billion की हमको मोललता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, आपके नोट्स में है कि नहीं, मोललता ज्ञात की, राइट। मोललता का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं, देखिए जरा अपनी नजर भरिए, मोललता का फॉर्मूला रबर कॉपी में लिखना चालू करिए बेटा, लिख लिख कर देखिए, भले ही आपको मिल गए नोट्स, फिर भी लिख कर देखिए। डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी कितना है बेटा, अब 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का क्या मतलब होता है, विलियन के 100 ग्राम में, विलियन का भार है, विलियन का भार कितना बेटा 100 ग्राम, ठीक है, विलियन का भार 100 ग्राम, और विलय का भार कितना है बेटा 10 ग्राम, जिसमें 10 ग्राम मिली गुला हुआ है, हमको लगाना पड़ता है विलायक का भार। तो डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा बेटा, डब्ल्यू ए विलायक का भार हो जाएगा, लिसन केयरफुली, ये देखो बेटा 100 - 10 यानी 90 ग्राम हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई, इन दोनों को मिलकर ही तो विलियन का भार 100 ग्राम है, परसेंटेज यानी 100 ग्राम। तो 10% डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू का मतलब होता है विलियन के 100 ग्राम में 10 ग्राम H2SO4 गुला हुआ, इज दैट क्लियर। हमें मोललता निकालनी, मोललता का सूत्र आपके पास ऑलरेडी वो है, मैं डायरेक्ट वैल्यू लगा रहा हूं, डब्ल्यू बी कितना है बेटा 10 ग्राम, और एम बी विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय कौन है बेटा H2SO4, H2SO4 के सूत्र से मोलर द्रव्यमान जब लगाएंगे तो कितना आएगा 98, दो हाइड्रोजन का 2, एक एक करके सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 16 चौक 64, जोड़ो 98 आ जाएगा, गुणा, ठीक है, विलायक का भार ग्रामों में लिखना है 90, ऊपर करना है 1000 का गुणा, ओके, जीरो काट दी हमने, एक से एक जीरो कट गई, 100 बटे 100, 1000 हो गया, 100 × 10 1000, 1000 बटे 98 × 9, कैलकुलेशन आप खुद करिए, पीछे मात्रक लगा देंगे आप स्मॉल एम, अच्छा स्मॉल एम लगाना या क्या लगाना एक ही बात है, मोल प्रति किलोग्राम लगाना। तो 1000 के अंदर आप इस वैल्यू का भाग देने पर क्या निकल आएगी बेटा, मोललता निकल आई, इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम बेटा। तो इस तरह के मोललता के सूत्रों को आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम का मटेरियल आपको डालूंगा तब मैं आपको और रिलेशन, जैसे मोलरता और मोललता में डायरेक्टली रिलेशन क्या होता है, डायरेक्टली तो मैं यहां लिख सकता हूं पर मैं उसे प्रूव कराऊंगा वहां बेटा, ठीक है ना। अभी आप लोग जितना मैं कहता जा रहा हूं उतनी बात को आप समझते जाइए, ठीक है ना, आपको बोर्ड में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस तरह की मोलरता मोललता में पढ़ सकती है। तो ये मोललता की फटाक से बेटा स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है, अगर आपको खींचना है तो, वैसे तो ऑलरेडी आपके पास में, दोबारा एक बार पूरा मेकअप कर लो माइंड को। अब हम लोग सांद्रता की अगली इकाई की तरफ चल रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मलता, क्या है बेटा, नॉर्मलता, ठीक है, नॉर्मलिटी पर डिस्कशन करेंगे हम लोग। और नॉर्मलता में बेटा क्या आएगा, यहां तो विलय के मूलों की संख्या बोली जाती है, यहां तो विलय के मूलों की संख्या बोली जाती है, कहां पर, मोलरता में या मोललता में, ठीक है ना, लेकिन नॉर्मलता में एक शब्द बोला जाता है, ये सुनिएगा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, ये शब्द आएगा। अब इसका मतलब ये निकला कि नॉर्मलता से पहले हमको ये शब्द समझना है कि ये क्या होता है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलय का तुल्यांकी भार, विलय का भार को बेटा मैं यहां से ही हटा दूं, विलय के भार को हम लोग संकेतों में क्या लिखेंगे बेटा, डब्ल्यू बी लिखेंगे, क्या लिखा है हम लोगों ने, डब्ल्यू बी बटे विलय का तुल्यांकी भार, एक और शब्द आ गया बेटा, विलय का तुल्यांकी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, लिसन केयरफुली, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, बी का मतलब विलय का और ई का मतलब इक्विवेलेंट, तुल्यांकी भार को ई से, मोलर द्रव्यमान को हम एम से, इस तरह से प्रदर्शित करेंगे।
इसका मतलब ग्राम तुल्यांक है। देखिए नॉर्मलता की मैं परिभाषा अगर मैं बनाऊं तो परिभाषा क्या आएगी, परिभाषा नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी का संकेत होता है एम, ये भी सांद्रता की एक इकाई है। इसकी परिभाषा आपके पास लिखी है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, विलयन के एक लीटर आयतन में, लिसन केयरफुली, एक लीटर आयतन में विलयन कितना भी बनाओ चाहे लीटर में या एमएल में, हमको एक लीटर के अंदर बताने है, तो विलयन के एक लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, समझे कि नहीं। विलयन के एक लीटर आयतन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांक, ग्राम तुल्यांक मतलब ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलिटी कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाएंगे बेटा, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार, ये निकाले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आपको फॉर्मूला मैंने बनाया, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता मतलब है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है ना, विलयन का आयतन लीटर में, जब बटे में लिखा है तो वो प्रति लीटर ही हो गया बेटा, आयतन लीटर में। ओके, अब हमको ये तो चलो ठीक है आयतन लिखा है, लेकिन ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए बेटा मुझे ये जानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें भी मुझे क्या सीखना पड़ेगा, विलय का तुल्यांक की भार। यू तो 11वीं क्लासेस में हम लोगों ने विलय का तुल्यांक की भार पढ़ा है, फिर भी छूट गया हो, नहीं समझ में आ पाओ, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूं। इज दैट क्लियर? सूत्र को आगे बढ़ाइए बेटा, नॉर्मलता बराबर, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बी बटे ई बी लिख सकता हूं कि नहीं, देखो ई बी, ठीक है ना, गुणा, ये क्या चल रहा है हमारा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। अब इस लीटर के आयतन को अगर मैं एमएल में लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू बी बटे ई बी गुणा विलयन का आयतन एमएल वाला लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर कितना पहुंच जाएगा 1000 का, ये समझ में आए कि नहीं, क्योंकि अगर मुझे एमएल में आयतन दिया जा रहा है तो मैं उस एमएल के आयतन में 1000 का भाग लगाऊंगा, तो 1000 कहां जाता बेटा, ऊपर आ जाता है। ये तो आ गया नॉर्मलता का फॉर्मूला। अब इसमें आपको सिर्फ तुल्यांक की भार से परिचित अच्छी तरह से होना है, तुल्यांक की भार से परिचित होते ही आप लोग नॉर्मलता निकालना सीख जाओगे। एक और बात देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना बेटा, ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा, अब आप इस हिस्से को देखिए, इस हिस्से का मतलब क्या होता है मालूम है आपको, जैसे अगर 1000 को अगर मैं हटा दूं यहां से तो लीटर हो गया, तो विलय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में, तो ये हो जाती है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बटे, डब्ल्यू बी बटे, ये तो 1000 ऊपर कर दिया गया, बटे विलयन का आयतन एमएल वाला। इसका मतलब ये निकला कि इस लाल वाले सर्कल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर लिख सकता हूं। तो ये हो गई बेटा क्या, देखिएगा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बटे ई बी तुल्यांक की भार। इज दैट क्लियर? या अगर मैं ये कहूं आपसे कि सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा, क्रॉस गुणा कर दो। अगर मुझे सांद्रता ग्राम प्रति लीटर मालूम है तो मैं उस विलयन की नॉर्मलता में उसके तुल्यांक की भार का गुणा कर दूंगा, तुल्यांक की भार का गुणा कर दूंगा, तो क्या बन जाएगी बेटा, वो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बन जाएगी। तो ये रिलेशन हो गया, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर का नॉर्मलता के साथ ये रिलेशन आ गया बेटा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से हम लोग इनमें रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपको 10 मिनट का समय और इसमें ले रहा हूं, जिससे मैं आपको ये समझा पाऊं कि तुल्यांक की भार क्या है, फिर और कुछ चीजों के बारे में मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए, वैसे तो तुल्यांक की भार, किसी पदार्थ का तुल्यांक की भार भारों में वह मात्रा है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, ऑक्सीजन के 8 भाग से, क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है या उसे विस्थापित करता है। ये तो होगी तुल्यांक की भार की परिभाषा। मैं आपको ओरली बोल रहा हूं, कान में आपकी लीड लगी है, परिभाषा अगर लिखना चाह रहे तुल्यांक की भार की तो ये, इस जगह परिभाषा का अभिप्राय नहीं है, पर आगे वर्ड तो मैं आपको बता रहा हूं, वैसे 11वीं क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। किसी पदार्थ का तुल्यांकी भार
भारों में वह संख्या है जो हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, हाइड्रोजन के 1.008 भाग से, या ऑक्सीजन के 8 भाग से, या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता हो या उसे विस्थापित कर देता हो, यह तुल्यांकी भार कहलाएगा। ठीक है ना, आप इस समय 12 क्लासेस पढ़ रहे हो। अगर आप चाहोगे तो मेरे कुछ वीडियो YouTube चैनल पर आने वाली टाइमिंग में मिल जाएगी, जिसमें तुल्यांकी भार के ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर रखूंगा। ठीक है, परिभाषा वगैरह तामझाम, यहां में जिन चीजों की जरूरत है वो मैं आपको लिए चल रहा हूं, वहां तक समझने की कोशिश करिए। तो तुल्यांकी भार अगर मुझे अम्ल का निकालना है, सूत्र आपके कॉपी में मौजूद है, अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार होगा तो अम्ल का जो अणु भार होता है ना बेटा, अम्ल के सूत्र से जो निकलता है, अम्ल का अणु भार बटे, अम्ल का अणु भार बटे अम्ल की क्षारकता। अब ये शब्द मिला आपको एक नया, अम्ल की क्षारकता। इसे मैं आपको ऐसे समझाऊं, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है बेटा, अम्ल और क्षार के बीच में क्रिया होती है, उसको कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया, जिससे लवण और जल बनता है। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो अम्ल को उदासीन कौन करता है? क्षार। ठीक है, तो अम्ल के एक मोल को क्षार के जितने मोल, ध्यान से सुनना, इसलिए तो अम्ल की क्षारकता बोला गया, अम्ल को उदासीन किया जाता है क्षार से। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार के जितने मोल उपयोग में लाए जाते हैं वो अम्ल की क्षारकता कहलाती है। जैसे HCl अम्ल को NaOH का एक मोल पूरी तरह से उदासीन कर देगा, लेकिन H2SO4 अम्ल को NaOH के बेटा दो मोल उदासीन करेंगे तो H2SO4 की क्षारकता हो जाती है दो, और HCl की क्षारकता हो जाती है। तो क्षारकता का मतलब समझ में आ गया। दरअसल क्षारकता को आप यूं भी कह सकते हो, किसी अम्ल द्वारा विस्थापित किए गए H तनाइनों की संख्या को। कोई अम्ल अपने में से जितने ज्यादा, जितने H तनाइनों को विस्थापित करता है उदासीनीकरण क्रिया में, अपना H तनाइन छोड़ता है तो वो क्षार के OH के साथ क्रिया करके जल बनाते हैं। तो जितने H तनाइन को वो छोड़ता है, विस्थापित करता है, वो उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। इज दैट क्लियर? अब प्रश्न ये आया कि अम्ल की क्षारकता निकालने के लिए तो आपको मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अब देखिए कुछ सूत्र मैं बना रहा हूं, जैसे H2SO4 का मैंने सूत्र बनाया, ये H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का पूरा ओपन फॉर्मूला है। तो इसमें दो एच जो दिख रहे हैं ना बेटा, वो ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं, और जैसा कि हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से और नाइट्रोजन से अगर जुड़े रहते तो इनके हटने के चांस ज्यादा रहते, तो वो एस धनायन के रूप में विस्थापित हो जाएंगे। तो H2SO4 अपने दो एस धनायनों को विस्थापित कर सकता है। तो H2SO4 अम्ल की क्षारकता कितनी हो गई बेटा? दो हो गई। H2SO4 की क्षारकता कितनी हो गई? दो हो गई, राइट? ठीक। अब अगर मैं सूत्र की दृष्टि से आपको बताऊं तो अणु भार कितना होता है बेटा? 98 होता है कि नहीं? H2SO4 के सूत्र में रखिए। अब आपको अणु भार भी कह रहे हैं, मोलर द्रव्यमान भी कह रहे हैं। दरअसल अणु भार एक अणु का अणु भार हो गया, और मोलर द्रव्यमान एक मोल अणुओं का द्रव्यमान होता है, बस इतना अंतर है। ठीक है ना, एक अणु का और एक मोल का। बटे क्षारकता कितनी लिख दो बेटा? दो। तो तुल्यांकी भार कितना आ गया बेटा? 49। कितना बेटा? 49। 49 के पीछे अगर मैं ग्राम लगा दू तो इस 49 ग्राम को मैं कहता हूं प्रति तुल्यांक, यानी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी एक तुल्यांक। अगर H2SO4 बोलता हूं ना, एक तुल्यांक, ठीक है, तो उसका मतलब होता है 49 ग्राम H2SO4, और एक मोल अगर मैं बोलता हूं तो 98 ग्राम को एक मोल कहते हैं, लेकिन एक मोल 49 ग्राम को एक तुल्यांक कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है? अगर 98 ग्राम हो तो मैं कितना बोलूंगा कि सर उसके दो तुल्यांक है, एक तुल्यांक 49 ग्राम के बराबर होता है, दो तुल्यांक 98 ग्राम के बराबर होता है, और 98 ग्राम एक मोल के बराबर होता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से आपके पास तमाम मैंने लिखे गए। अब देखिए फास्फोरस के कुछ ऑक्सी अम्ल जो होते हैं ना बेटा, ऑक्सी अम्ल, उनकी संरचना देखिएगा, पी डबल बॉन्ड ओ एच एच ओ एच। अब देखिएगा ये H3PO2, इसका नाम है हाइपोफास्फोरस अम्ल, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अच्छा, कई बार क्या है, सीधे सूत्र से हाइड्रोजन H9 के रूप में विस्थापित हो रहे हैं, निकालना गड़बड़ हो जाएगा बेटा, क्योंकि वही हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं जो किससे जुड़े हो, ऑक्सीजन के साथ ज्यादातर जुड़े रहते हैं, वही विस्थापित होते हैं। यहां ये दोनों हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होंगे, जब ये अम्ल की,
ये वाला अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये वाले हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा, केवल इस वाले हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा क्योंकि ये उच्चारण विद्युतीय परमाणु से जुड़ा है। तो कितने एस धनायन विस्थापित करेगा बेटा? एक। तो इसकी क्षारकता कितनी हुई? एक। ठीक है, तो इसका अणु भार निकालो, फास्फोरस का 31, तीन हाइड्रोजन का 3, दो ऑक्सीजन का 16, दुनी 32 जोड़ेंगे, क्षारकता एक है, एक का भाग लगाएंगे यानी जितना इसका अणु भार होगा उतनी इसकी मतलब उतना ही उसका तुल्यांक भार होगा क्योंकि एक का भाग देना है। इसी तरह से बेटा P डबल बॉन्ड O, H, OH, OH। अब अगर मैं अणुसूत्र के रूप में कहूं तो ये हो गया H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या था? हाइपोफास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है? फास्फोरस अम्ल। तो क्या करेंगे इसमें बेटा? इसमें दो H धनायन विस्थापित हो जाएंगे क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़े हैं। हाइड्रोजन तो तीन है, इंग्लिश में एक कहावत है ना, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं जिस तरह से सोना नहीं होती, ठीक वैसे ही अगर हाइड्रोजन अगर दिख रहे हैं तो सारे के सारे हाइड्रोजन एच धनायन के रूप में विस्थापित हो, यह जरूरी नहीं है। दिख कितने रहे हैं? तीन। निकल कितना रहा है? एक। तो क्षारकता कितनी है इसकी? एक। ओके, ये वाले हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होते। दिख कितने रहे हैं? तीन, लेकिन विस्थापित कितने हो रहे हैं? दो। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? दो, फास्फोरस अम्ल की। इसी तरह से फास्फोरिक अम्ल बेटा, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच, ओ एच, यहां पर तीन हाइड्रोजन है फास्फोरिक अम्ल में H3PO4 में, और तीनों ही हाइड्रोजन बेटा विस्थापित हो जाते हैं, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी बेटा? तीन। इसको कहेंगे एक क्षारकीय अम्ल, इसको कहेंगे द्वि क्षारकीय अम्ल, इसको कहेंगे त्रि क्षारकीय अम्ल। ऐसा अम्ल जिसकी क्षारकता तीन है, ऐसा अम्ल जिसकी क्षारकता दो है, ऐसा अम्ल जिसकी क्षारकता एक है, ऐसा अम्ल जो जिस अम्ल का एक मोल क्षार के एक मोल से उदासीन हो जाता है तो क्षारकता एक होगी, अम्ल का एक मोल क्षार के दो मोल से उदासीन होता है तो क्षारकता दो होगी। ठीक है, अगर अम्ल का एक मोल क्षार के तीन मोल से उदासीन होता है तो क्षारकता तीन होगी, क्योंकि जितनी एस धनायन विस्थापित करेगा उतने ही क्षार के मोल उदासीनीकरण क्रिया में भाग लेंगे। तो इस तरह से अपन अम्ल का तुल्यांक भार निकाल सकते हैं। क्षार का तुल्यांक भार क्या होगा बेटा? क्षार का तुल्यांक भार, तो क्षार का तुल्यांक भार होगा क्षार का अणु भार बटे क्षार का अणु भार बटे क्षार की अम्लीयता। क्षार किससे उदासीन होता है? अम्ल से, इसलिए शब्द लगा दिया गया अम्लीयता। जिस तरह से मैंने क्षारकता को बोला था वैसे ही अम्लीयता को मैं बोल रहा हूं। क्षारकता में जितने एस धनायन विस्थापित करेगा अम्ल, तो क्षार की अम्लीयता में जितने OH नेगेटिव आयन विस्थापित करेगा, कोई क्षार उदासीनीकरण क्रिया में जितने OH नेगेटिव आयन को विस्थापित करेगा वो उस क्षार की अम्लीयता कहलाएगी। समझ में आ रहा बेटा? तो इसी तरह से जैसे NaOH, KOH, NH4OH ये एक OH विस्थापित करते हैं तो इनकी क्षारकता सॉरी इनकी अम्लीयता कितनी होगी? इन क्षारों की एक होगी। तत्व का तुल्यांक भार क्या होगा? तत्व का तुल्यांक भार होगा तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता। परमाणु भार में संयोजकता का भाग देंगे, जैसे मैग्नीशियम का परमाणु भार कितना होता है? 24। संयोजकता 2 होती तो 24/2 बराबर 12 निकल आएगा। आयन की संयोजकता कैसे निकालेंगे? तो आयन के उस सूत्र भार में, आयन का जो सूत्र होता है, आयन के सूत्र भार में क्या करेंगे? आयनों पर आवेश का भाग दे देंगे। जैसे कैल्सियम पर 2 धनावेश है और कैल्सियम आयन का हमें तुल्यांक भार निकालना है, तो कैल्सियम का परमाणु आयनिक भार होता है 40, जो परमाणु भार होगा वो आयनिक भार होगा। 40 में आप 2 का भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा। सल्फेट की बात करें, सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, सल्फर का 32, एक ऑक्सीजन का 16, 16 + 64 + 32 = 96, तो 96 में 2 का भाग लगाएंगे क्योंकि 2 ऋणावेश है। तो इस तरह से आप अम्ल और क्षार के तुल्यांक भारों को जो आपकी कॉपी में मौजूद है नोट कर सकते हो। जब ये निकाल लेंगे तब हम जाकर ग्राम तुल्यांकों की संख्या का ये तरीका निकालेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये निकला। अब यहां से मैं आपको थोड़ी सी बात और क्या जोड़ने जा रहा हूं ये देखिएगा, मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं वो ये है कि अगर मुझे नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करना है, अगली हेडिंग होगी हमारी नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करना, ये उठा दूं बेटा आपके पास ऑलरेडी है फिर भी समस्या है तो मैं आपको और दोबारा इस सारी बातों से परिचित करा दूंगा। ठीक है ना, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या? देखिए मोलरता का सूत्र ये देख रहे हैं आप लोग, दिख रहा है आपको, और नॉर्मलता का सूत्र ये देख रहे हैं, इसके अंदर WB, यस WB, 1000 आयतन ml में, आयतन ml में, इसका मतलब ये हिस्सा बराबर है। इज दैट क्लियर? यहां EB लिखा है और यहां क्या लिखा है? MB लिखा है। या अगर मैं यहां पर सांद्रता ग्राम प्रति लीटर की बात कर रहा होता तो आपको याद होना चाहिए
ये इसका क्या हो गया बेटा, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर हो गया। तो सांद्रता ग्राम प्रति लीटर मोलरता में क्या होता था, मोलरता में वहां होता था एम गुणा एम बी लिखा जाता था, लिखा जाता था। तो इसका रिलेशन जो बनेगा आप बनाकर जब देखेंगे, आप अपनी कॉपी में देख रहे हैं, एन बराबर एम गुणा जेड। अच्छा, जेड की जगह अपन कोई भी स्थिर अंक मानने के लिए मैंने ये ले लिया है, जिसको स्मॉल एन भी कह सकते हो आप, के कह सकते हो, ये हमारी मानने के ऊपर है। ये तो नॉर्मलता होगी बेटा, ये मोलरता हो गई। आपको मैं बता दूं दोबारा, इन दोनों में रिलेशन ये मैंने कैसे स्थापित किया, मैंने रिलेशन स्थापित करा कि नॉर्मलता का ये रिलेशन होता है, वैसे ही मोलरता का रिलेशन सांद्रता ग्राम प्रति लीटर से ही होता है। आपको पिछली बार बता चुका हूं, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर बराबर मोलरता गुणा एम बी होगा। अब देखिए, इसका एलएचएस और इसका एलएचएस बराबर है, तो आरएचएस बराबर होंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, एन गुणा ई बी बराबर लिखूंगा कि नहीं, एम गुणा एम बी। एलएचएस एलएचएस बराबर हो गए, तो आरएचएस बराबर कर दी, ये बराबर ये हो गया, देखो हो गया। तो नॉर्मलता बराबर मैं क्या लिखूंगा, मोलरता गुणा मोलर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, यानी तुल्यांकी भार। ठीक है, इस एमबी और ईबी, किसी भी पदार्थ का उसका एमबी और ईबी हमेशा स्थिर अंक होगा, बात समझ आ रही है। इसलिए अपन ने इसके स्थान पर जेड ले लिया, यानी जेड का मतलब यहां पर है उसके एमबी में ईबी का भाग लगा दो। जैसे H2SO4 का एमबी कितना होता है 98 और ईबी कितना होता है 49, तो 98 में 49 का भाग लगाएंगे तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। H2SO4 के लिए जेड की वैल्यू, तो आपके दिमाग में आ गया कि सर ये H2SO4 की जेड की 2 वैल्यू, ये तो इसकी क्षारकता होती है। बिल्कुल सही, आसान क्या बना दिया देखिए मैंने। दरअसल ये जेड क्या है, अगर मैं पूरी कहानी को शॉर्टकट में लिख दूं, तो एक्चुअली ये जेड जो है, ये जो जेड है वो दरअसल उस अम्ल की क्षारकता है। डायरेक्टली कह सकते हैं आप लोग, जेड क्या चीज है, आप प्रूफ करिए उसको। H2SO4 का एमबी 98, ईबी 49, 98/49 बराबर 2 आएगा, और H2SO4 के लिए उसकी क्षारकता कितनी होती है, 2। तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हो जेड बराबर है अम्ल के लिए तो कहलाएगी अम्ल की क्षारकता, डायरेक्ट वैल्यू लगा दो आप लोग, और या क्षार के लिए कहलाएगी क्षार की अम्लीयता कहलाएगी बेटा। ठीक है, तो इस तरह से नॉर्मलता और मोलरता में चाहे तो आप ये वाला संबंध स्थापित कर दो डायरेक्ट, जिसमें जेड बराबर एक स्थिर मान होता है, ठीक है ना, जो किसी अम्ल की क्षारकता को या क्षार की अम्लीयता को दिखाता है, ये कह सकते हैं, या आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर लो। बात तो एक ही है ना, एमबी और ईबी की जगह तो मैंने जेड ही तो लिखा है। ओके, ये तो इस तरह से अपन इन दोनों में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। अब अगर मान के चलो मैंने कहा एक 2 नॉर्मलता का H3PO3 का विलयन है, H3PO3 का विलयन है, विलयन की मोलरता निकालिए। ठीक है, 2 नॉर्मलता H3PO3 का विलयन की मोलरता निकालिए। अब आपके पास फॉर्मूला क्या ये है या ये है, तो नॉर्मलता बराबर क्या है आपके पास, एम गुणा जेड है। Z की वैल्यू H3PO3 के लिए, Z की वैल्यू के लिए 2, आपने लिखा कि नहीं, H3PO2 के लिए 1, H3PO3 के लिए 2 और H3PO4 के लिए 3 होगी। ओके, H2SO4 के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी, 2, राइट, अम्ल की क्षारकता। तो नॉर्मलता कितनी दे रहा है बेटा, वो 2, तो नॉर्मलता की जगह 2 लगाया, मोलरता निकालनी है, Z का मान हमने लगाया 2, ठीक है, राइट, 2 यहां आ जाएगा, तो 2/2, तो मोलरता कितनी निकलेगी बेटा इसकी, 1 निकलेगी। यानी अगर H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए अगर मैं यहां H2SO4 लिख देता हूं तो भी उसकी मोलरता 1 होगी, H2SO4 की 2 नॉर्मलता 1 मोलरता के बराबर हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको आगे के डाउट सेशन में और भी आप लोगों के बारे में, इसके बारे में डिस्कशन कराऊंगा, और सवाल को करने का प्रयास कीजिए। नॉर्मलता में अपन ये कह देते हैं जैसे 1 नॉर्मलता 1 नॉर्मल विलयन, 1/2 नॉर्मलता सेमी नॉर्मल विलयन, 1/5 पेंटी नॉर्मल, 1/100 सेंटी नॉर्मल विलयन, 1/1000 मिली नॉर्मल विलयन, मोलरता जैसे ही है बेटा। ओके, चलिए अपन मॉड्यूल 6 पर अपन अगले दिन डिस्कशन करेंगे। तो सांद्रता की ओवरऑल जितनी भी विधियां हैं, जितने भी तरीके, वो मैंने आपको अब फिनिश कर दिए। अब जो प्रॉब्लम है अपन डाउट सेशन में ले लेंगे, अगली एडिंग अगले मॉड्यूल में हम लोग सांद्रता से आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।